भगवान दास जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? अतिथि देव भव, देवतुल्य हैं आप हमारे लिए। और जहां तक बात है आपकी बहन की, हम सबके मन में उनके लिए सुख और चैन का ही भाव है। चक्रपाणी मिश्र जी, बाबूजी राज, इन्हें भी अतिथि कक्ष में ले जाइए। धन्यवाद। एवं मरु देश पराक्रमी राजा राम सिंह जी एवं उनके भाई चंद्रसेन जी पधार रहे हैं। का कोसा, उदयपुर में आपका भी हार्दिक स्वागत है। कुंवर प्रताप, हमारे बीच रिश्तेदारी वाली सारी औपचारिकताएं उसी दिन समाप्त हो गई थी जिस दिन हमारी भतीजी फूलकंवर हमेशा हमेशा के लिए मेवाड़ से मारवाड़ लौट आई थी। चंद्रसेन, आप बीती बातों को याद दिलाकर व्यर्थ ही अपनी संवेदनाओं को गवा रहे हैं। हाँ, सही कहा दादा भाई आपने। हमारे विचार से तो कुंवर प्रताप के लिए हमारी भतीजी फूलकंवर अब मात्र एक बीता हुआ अध्याय है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? यहाँ पर एक भी दिन ऐसा नहीं बीता है जब हमने फूल को याद नहीं किया। फूल तो हमारी ऐसी सखी है जो हमें जीवन में कभी दोबारा नहीं मिलेगी। कैसी है वो? अच्छी है और आपको बहुत याद करती है। हम भी उन्हें बहुत याद करते हैं। चंद्रसेन जी पूरे देशभक्त हैं, किंतु राम सिंह जी का थोड़ा थोड़ा झुकाव है अकबर की ओर, पर अभी तक इनकी अकबर के साथ कोई संधि नहीं हुई। चंदेल वंश की धरोहर गोंडवाना की महारानी रानी दुर्गावती जी पधार रही हैं। मामा, एक स्त्री के साथ संधि? क्या इतने बुरे दिन आ गए मेवाड़ के? मांझे अपने मित्र और शत्रु बिना जाने आंकना बहुत गलत बात। रानी दुर्गावती कोई साधारण महिला नहीं। रानी दुर्गावती जी, आपका भी उदयपुर में हृदय से स्वागत है। राजपूताने की वो वीरांगना जिन्होंने अपने शौर्य के बल पर उस अफगान आक्रांता बास बहादुर को अपनी सीमाओं से खदेड़ कर बाहर फेंक दिया, मात्र मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ उन अफगानों से युद्ध किया। और विजयश्री प्राप्त कर केवल राजपूताने को ही नहीं, समूचे भारतवर्ष का नाम ऊंचा किया। और तब से गोंडवाने पर अफगानों ने ही नहीं, किसी ने भी आंख उठाकर उस पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया। कुंवर प्रताप, आप और आपके परिजनों द्वारा निर्मित ये भव्य नगर देखकर हम आपको बता नहीं सकते कि हमें कितनी प्रसन्नता हो रही है। जब से आपके शुभचर इस नगर में पड़े हैं,
समझे हमारा नगर निर्माण सार्थक हो गया। स्वागत है आपका। कुंवर प्रताप, जहां तक हमें याद आ रहा है आपके एक पुत्र भी हैं। कहाँ हैं आपके सुपुत्र? उन्हें देखने के लिए हम अति उत्सुक हैं। वे भी आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक है रानी दुर्गावती जी। आपकी सभी शौर्य गाथाएं कंठस्थ हैं उन्हें। वे शूरवीर कुंवर प्रताप के पुत्र हैं। आप देख लीजिएगा हमारी किस्से कहानियां उनके लिए शीघ्र बच्चों वाली बातें हो जाएंगी। राजपुताने के सभी आमंत्रित राजा और रानियां आ गए। रानी मतलब रानी दुर्गावती जी भी आई हैं, मतलब आ रही हैं। हाँ, पर वैसे आप इतना बंसवर क्यों रही है बुआ? कोई बात है क्या? अमर सिंह जी, आप बहुत बोलने लगे हैं। हाँ नहीं, कोई तो बात है अमर सिंह जी। अरे रुकिए, हमें भी देखना है रानी दुर्गावती जी को। रुकिए ना। आप कौन? हम राय सिंह, कल्याण सिंह जी के पुत्र। महल देखते हुए हम राह भटक गए, किंतु अब लगता है कि हमने सही राह पकड़ी। ठीक है ना मैं? जब अपरिचित हमारा मतलब है नए हैं आप इस महल के लिए, तब आपको इस महल में कुछ ढूंढने के बजाय प्रतीक्षा करनी चाहिए अपने अतिथि की, ताकि वो आपके साथ साथ आपको सारा महल दिखा सके। यूं कहते हैं ना, स्वयं ढूंढने वालों को ही मिलते हैं छिपे खजाने। अरे आप तो बड़े ही दुस्साहसी हैं। सुनिए, आप ही क्यों नहीं दिखा देती सारा महल साथ साथ चलकर? तुरंत जाकर आगंतुक अतिथियों की रुचि अनुसार उनके खान पान की व्यवस्था कीजिए। और हाँ, हर अतिथि के साथ हर समय 3 दासियां रहनी चाहिए। समझ गई आप सर? अजब दे, अजब दे, एकलिंग जी के आशीर्वाद से अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ कुंवर प्रताप, परंतु कुछ अतिथि ऐसे भी है जो मन ही मन तनाव और पूर्वाग्रह पाले बैठे हैं। फिर भी आपने सूझबूझ और बड़ी धैर्य के साथ सब कुछ संभाल लिया। बहुत विचित्र सा अनुभव कर रहे हैं मुझे ते। पहली बार राजपुताना के राजा रानी इस नगर के नए दरबार में आएंगे और राज सिंहासन पर राजी राजी नहीं होंगे। कुंवर प्रताप, हमने वैद्य जी से अभी अभी बात की और उनका भी यही कहना है कि ताजीराज को विश्राम की आवश्यकता है। आप कहे तो हम फिर से एक बार उनसे बात कर ले। नहीं नहीं, उन्हें विश्राम करने दें, उन्हें विश्राम की आवश्यकता है। कुंवर प्रताप, आपको लगता है कि रानी माँ दरबार में आएंगी? प्रयास करने में हानि क्या है, देखते हैं निवेदन करके। अरे चार, कहाँ थी आप? आपको पता है रानी दुर्गावती आपके बारे में पूछ रही थी। हम बस उन्हीं से मिलके आ रहे हैं अभी। अब कुछ काम है हमारे योग्य भाभी। चार, आप ठीक तो है ना? हम ठीक है भाभी, बिल्कुल ठीक है। हम देख के आते हैं कि अतिथियों के लिए कक्ष तैयार है या नहीं। हम ठीक है। चांद को क्या हो गया?
आ गए सभी आमंत्रित अतिथि। जी माँ, सारे गणमान्य अतिथि आ चुके हैं। बहुत शीघ्र ही हम दरबार आयोजित करेंगे। राजपुताने के सभी राजाओं के शुभचरण दरबार में पड़े, इससे सौभाग्य वाली बात क्या हो सकती है? रानी माँ, राजराज की कमी बहुत खलेगी हमें। न जाने कितने वर्षों के बाद इतने महत्वपूर्ण दरबार आयोजन में सभी उपस्थित होंगे, किंतु मेवाड़ नरेश का राज सिंहासन रिक्त होगा। परिवर्तन ही प्रकृति का एकमात्र शाश्वत नियम है प्रताप। इस अवसर को दाजीराज के आकांक्षाओं को, आशाओं को पूरा करने का अवसर बनाकर दिखाएं सबको, इसलिए वे भी शांति से शैया पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं यदि आप हैं तो कोई भी अनहोनी नहीं हो सकती दरबार में। रानी माँ, यदि आप हमारे साथ दरबार में आएंगी तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। आएंगी ना? हम जी, आप तो जानते हैं प्रताप, हमने तो बहुत पहले ही अपने आप को सक्रिय राजनीति से दूर कर लिया है। जानते हैं, सब कुछ भलीभांति जानते हैं, तो यदि आपके पुत्र को आपकी आवश्यकता है तो क्या फिर भी आपका दरबार में आना सक्रिय राजनीति होगी? फरमाइए जहां पना रहे, बस मुझे इस बार बख्श दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि कभी अपने लोगों के बीच आपसे बगावत की बात नहीं करूंगा। एक अफगान अपनी जुबान का सच्चा होता है, वादा करने के बाद कभी अपने वादे से नहीं मुकरता। पर क्या करें, रहम करेंगे तो हमारी आवाम कमजोर समझने लगेगी हमें, और इतनी बड़ी हुकूमत तज़फ़्फ़ुर और खौफ से ही तो चला रहे हैं हम। अवाम के दिल से शहंशाह हिंद का खौफ ही निकल गया तो बचेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, नहीं जा, नहीं नहीं। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। शहंशाह, आपके लिए बहुत ही खास पैगाम लेकर आई हूँ हुजूर। हम इसकी सजा है मौत, खारिज कर इसे माफ करते हैं, छोड़ दो इसे, जाने दो। पर जहां पना, इससे प्रजा में गलत संदेश जाएगा। हमारी बेगम हीर ने इतना मुबारक पैगाम भेजा है हमें कि हम बस खुश हैं, बेपनाह खुश। इस वक्त और किसी भी चीज की परवाह नहीं है हमें, छोड़ दो इसे। शुक्रिया, शुक्रिया। चाहते हैं कि सब कुछ अच्छे से ठीक ठाक निपट जाए। राणा जी की अनुपस्थिति में हम स्वयं को इतना उत्तरदायी मान रहे हैं कि क्या बताएं। चित्तौड़ के बाद इतने वर्षों में इतना महत्वपूर्ण अवसर अब आया है। जीजा, आप सब कुछ इतने अच्छे से संभाल रही हैं, फिर चिंता क्यों कर रही है? आ जाते, किसे देख रही हैं? वो रानी माँ जब थे, जीजा नहीं आएंगे। हम सब ने देखा था ना बहुभोज में,
चर्चा कहाँ आई थी? वीरबाई जी, ये तो चमत्कार हो गया। चीचा सचमुच में आ गई है। आसन ग्रहण कीजिए। जैसे कि आप सबको विदित होगा, हमारे दाजी राज मेवाड़ नरेश रुग्ण अवस्था के कारण इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे बीच नहीं है। उन्होंने आप सभी के लिए हमारे माध्यम से आदर पूर्वक हार्दिक शुभकामनाएं और शुभेच्छा भिजवाई है और ये आशा जताई है कि जैसे ही उनका स्वास्थ्य उन्हें अनुमति देगा, वे व्यक्तिगत रूप से एक एक करके आप सभी से मिलने का प्रयास करेंगे। हम सब भी राणा जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए संदेशा भेजते हैं। जी उतार सागर, इतनी भली भली बातें सुन के यदि कुंवर प्रताप मुद्दे पे आए तो इस दरबार में थोड़ा आनंद था, थोड़ी उत्तेजना आई। वैसे कुंवर प्रताप, जब हम सब यहाँ उपस्थित हैं, तो आप अपने मूल विषय पर प्रकाश क्यों नहीं डाल रहे? संभल के चंद्रसेन, संभल के। क्यों? जिस विषय के बारे में यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि जानते और मन ही मन सोच भी वही रहे हो, तो उस विषय के बारे में बोलने पर कैसी झिझकता? और वैसे भी कुंवर प्रताप ने हम सभी को इस नूतन नगर की स्थापत्य कला, शिल्प कला, चित्रकारी या मूर्तियों पर बोलने पर तो नहीं बुलाया है ना? चंद्रसेन जी, आप सही सोच रहे हैं। हमारे मन में भी कुछ अलग ही बात चल रही है। हम इस अवसर का सदुपयोग करना चाहते हैं। आप सभी के समक्ष राजपुतानी की पुनः एकता का प्रस्ताव रखें, ताकि हमारी परंपरा और संस्कृति की रक्षा के सभी राजपूत राज्य एकजुट होकर शत्रु को भारतवर्ष से बाहर फेंक दें और आपसी एकता स्थापित कर सकें। ये लीजिए, आखिर इनके मन की बात खुलकर बाहर आई गई है ना कुंवर प्रताप? और क्या हमें जान सकते हैं कि ये शत्रु कौन है आपके दृष्टि? वो मुगल अकबर। पर कुंवर प्रताप, ये एक सार्वजनिक मंच है, इसलिए हम आपसे आशा करते हैं कि आप जब भी हमारे समधि के विषय में कुछ भी बोले तो सोच समझ कर शब्दों का चुनाव करें। हम भली भांति जानते हैं कि आपकी बहन बहन हीर भाई का विवाह उसी मुगल से हुआ, और हम इस तथ्य का पूरा पूरा सम्मान करते हैं, किंतु इससे वो तथ्य नहीं मिट सकता। जब हमारे देश की कितनी ही स्त्रियों को विधवा होना पड़ा उसी मुगल की क्रूर सेना के काके का। कुंवर प्रताप, यदि हम अकबर के खिलाफ आपका यह मूर्खतापूर्ण प्रस्ताव मान लें, न जाने कितनी स्त्रियां असमय विधवा हो जाएंगी।